ईरान के सैनिकों के युद्धाभ्यास के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबूधाबी में अल दाफरा एयरबेस पर 28 जुलाई को अमेरिकी सैनिकों के साथ ही अल उदीद एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया। अल दाफरा एयरबेस ही वो जगह है जहां फ्रांस में भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमानों का स्टॉपेज था। आशंका ये है कि हो न हो ईरान के मॉकड्रिल का मकसद है अमेरिका को धमकी देना। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने रणनीतिक तरीके से अहम हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक नकली विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर के जरिए मिसाइल से हमला किया। ये एक मॉक ड्रिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कमांडो भी ग्रेट प्रोफेट 14 नामक अभ्यास के दौरान विमान वाहन के डमी पर एक हेलीकॉप्टर से तेजी से हमला करते नजर आए। कई फुटेज में एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल दागते हुए दिखाया गया जिसमें बोर्ड पर 16 फर्जी फाइटर जेट्स थे, जबकि तेज नौकाओं ने जहाज को घेर लिया जिससे समुद्र में सफेद लहर तोड़ गई। ईरानी सैनिकों ने ड्रोन को लक्ष्य कर एक जगह से एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियों से भी निशाना साधा। यह अभ्यास बंदर अब्बास के पास किया गया। आपको बता दें कि इस अभ्यास का नतीजा ये निकला कि इससे पहले कि सभी समझ पाते कि वास्तव में हुआ क्या है, दोनों अहम एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया।